सतगुरु मेरे स्वामी दाता दयाल सतगुरु नाम प्रभु दीना सतगुरु ने हम शुरु तो पर दया निहाल हम शुरु तो पर दया निहालो सतगुरु मेरे प्रभु दाता दयाल सतगुरु मेरे प्रभु दाता दयाल सतगुरु स्वामी नाम आदित्य दाते सतगुरु स्वामी नाम दाते सुरु तो पुरखते अपने साथ हो सुरु तो पुरखते अपने ही साथ हो अंबर के स्वामी दिगंबर दीननाथ हो सतगुरु स्वामी मेरे दीननाथ सतगुरु स्वामी मेरे दीननाथ सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव प्रेमियों आप सब महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धाम बडेरा में पधारे हुए हैं, आपका स्वागत है। मालिक की असीम दया कृपा है, उनकी अनुकंपा है, गुरु महाराज की दया में हर सब पर्व रसती है, यही हमारी कामना है। आप सबको अनुभव अनुभूति होती रहे, दिखाई सुनाई पड़ता रहे। प्रेमियों, इस समय जनमानस में देशभक्ति का सैलाब जो उमड़ा हुआ है वो स्वाभाविक है। पहले देशभक्ति जिस देश में रहते हैं, फिर प्रभु की भक्ति करना परमावश्यक है। देखो प्रेमियों, ये देश ही इस तरह का है जहाँ से एक ना एक दिन सबको जाना रहता है। पर प्रेमियों, सतमत में यही समझाया जाता है कि सब कुछ नाशवान है, यहाँ आए हो और कुछ दिन का बसेरा है, तो प्रभु का भजन करते हुए उस प्रभु का धन्यवाद करो और यहाँ पर मेहनत ईमानदारी से काम करो। यहाँ रहते हुए अपने मानव जीवन को सफल बनाओ और उस आध्यात्मिक परमपिता की खोज करो कि ये सूरत जीवात्मा, ये जीव कहाँ से आया है और कहाँ ये जाएगा, इसके बारे में आपको सोचना परम आवश्यक है। आए तो हो पर ये भी जानते हुए एक न एक दिन हमें जाना है। कोठी बदले महल अटारी सभी लोग बनाने में लगे रहते हैं और ये कभी नहीं सोचते कि हमें जाना है, जबकि यह तो अंतिम सत्य है, एक न एक दिन सभी को जाना है। ये देश ही नाशवान है, यहाँ कोई अजर अमर नहीं रहा। प्रेमियों, प्रेम और सौहार्द के साथ रहना, खुशी के साथ रहना और अपने प्रभु की वंदना करना, उनकी भक्ति करते हुए खेती दुकान दफ्तर का काम करना, ये मानव जाति का काम है। पर यहाँ पर हवेश और ईर्ष्या द्वेष की नदियां बह रही हैं।
अभी कुछ मिला है और कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, पर वो सब संसारिक चीजें ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज है, जिसके कर्म में जो लिखा है, प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, पर इससे अधिक की चाहत रखोगे तो मारामारी करनी पड़ेगी और मिलेगा भी कुछ नहीं। जो आपके कर्म में लिखा है, आपके हस्तलेखा में लिखा है, उसे तो आपको मिलना ही है। एक ना एक दिन उस समय बड़ा बलवान होता है, उस जगह पे आपको खड़ा कर देता है। प्रेमियों, जितने भी साधक गुरु भाई प्रेमी हैं यहाँ पर उपस्थित और भारतवर्ष में और विदेशों में, जहाँ जहाँ भी हमारे स्वामी सदगुरु के भक्त हैं, हम सब स्वामी सदगुरु भक्त हैं। हमें जो नाम बताया गया है उस नाम से, नामी के बारे में बताया गया है। सर्वप्रथम नामी से प्रेम होगा, अपने स्वामी सदगुरु से प्रेम गुरु से होगा, तभी तो प्रभु परमात्मा मिलेगा। नाम सभी संतों ने रखा, नाम को जपाया, पर यही बताया कि निशाना मुझसे रखना। मुझमें जो प्रभु परमात्मा को देखेगा उसे प्रभु परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि हर दरबार में हर जगह पर बैठक स्वामी की है, सदगुरु की है। वो सदगुरु हर जगह बैठा हुआ है, विद्यमान है, तो विद्यमान सदगुरु ही तुम्हें उस देश में ले जाएगा। अगर वो ये भी कहता है कि मैं ही कुल मालिक हूँ, तो उस कुल मालिक को तुमने नहीं देखा, इस कुल मालिक को तुमने देखा है। अपने स्वामी को, अपने सदगुरु को तुमने देखा है। प्रेम तुमको अपने सदगुरु स्वामी से ही करना पड़ेगा। अगर वो स्वयं ही प्रभु अनामी है या प्रभु सतनामी है तो तुम्हें एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगा, पर प्रेम तो तुम्हें अपने स्वामी से ही करना होगा। किस लिए करना होगा कि हमारे गुरु महाराज ने बताया है, अनामी महाप्रभु अकह अपार है, जिसका कोई वार अपार नहीं है। वो इतना धवल उज्जवल स्वामी है कि उससे आंखें नहीं मिलती हैं, और उससे मिलने के लिए अपने समरसंत स्वामी सदगुरु के साथ ही जाना पड़ता है। बिना स्वामी संत सदगुरु के एक भी जीव ने कभी ना प्राप्त किया है और ना भविष्य में प्राप्त कर सकेगा। तो प्रेमियों, प्रेम अपने स्वामी सदगुरु से करना परम आवश्यक है। गुरु महाराज ने हमारे ये बताया है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, पर ये भी कहा है कि जब पंथ बना लिया जाएगा तो ये काम नाम नहीं करेगा। जब पंथ बन जाएगा तो जय गुरुदेव नाम काम नहीं करेगा। तो प्रेमियों, और ये भी समझाया है कि अपने पिया स्वामी को अंदर में खोजो, खोज रही पिया को निज घट में। घट की बात बताई है, अध्यात्म आत्म पढ़ाया है, तो अध्यात्म आत्म में रहते हुए तुम्हें आध्यात्मिक शांति पढ़ करके और आध्यात्मवादी बनना है। आध्यात्मवादी बनोगे किस तरह, जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे। सुमिरन ध्यान भजन करने के अंतर्गत तुम्हें अनुभव अनुभूति होगी, दिखाई सुनाई पड़ेगा, अपने स्वामी मालिक से बात होगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि स्वामी मालिक क्या होता है। जब उन्होंने कहा है कि इसी शरीर में मैं 400 साल रहूंगा, तो इसी मानव बोल शरीर की बात की है, किसी और शरीर की बात तो की नहीं। तो तुमको इसी मानव शरीर मानव पोल पर ही मिलेंगे। राम भी मानव पोल पर मिले थे, कृष्ण भी मिले थे, और कितने प्रभुओं के अवतार हुए, सब मानव पोल पर ही मिले। तो उसी तरह स्वामी सदगुरु भी तुम्हें मानव पोल पर ही मिलेंगे। उनकी बात मिथ्या नहीं हो सकती, पर वक्त वक्त का नाम होता है।
पहले जय गुरुदेव था, अब सदगुरु जय गुरुदेव है। सदगुरु क्यों लगा? जब पंथ बना तो सदगुरु लगा। संत नाम को जागृत करते हैं और नाम में पावर देते हैं। जो वक्त का नाम होता है वही नाम काम करता है। अरे प्रेमियों, हमारे स्वामी जी महाराज ने स्वयं ही जय गुरुदेव को नाम को जगाया और स्वयं ही सदगुरु जय गुरुदेव नाम को भी सिद्ध किया, उसको भी जगाया, उसमें भी नाम की पावर स्वामी महाराज ने ही दी है। सदगुरु जय गुरुदेव नाम की पावर भी स्वामी महाराज ने दी है। ये सती जी नाम है, सत्य का नाम है, अनुभव अनुभूति का नाम है, कल्याण का नाम है, मुक्ति मोक्ष पद प्राप्त करने का नाम है, टीका टिप्पणी करने का नाम नहीं है। राम के हजार नाम, लाख नाम, कृष्ण के, हरि के अनंत नाम, वैसे हमारे स्वामी सदगुरु जब से धरा मंडल पर आए बराबर नाम जगाते रहे, नाम में पावर देते रहे। वही कुल मालिक है। जब समरस संत कबीर साहब आए थे तो उन्होंने दुनिया के लिए रामानंद स्वामी को अपना गुरु बनाया था, जबकि रामानंद स्वामी और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। प्रेमियों, जब अध्यात्मवाद की किताब को उठा करके देखोगे, इतिहास को पढ़ोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कब किस संत ने क्या कहा और उस काम को पुनः आकर के किस तरह से पूरा किया। क्योंकि यहाँ आयु 100 वर्ष की है, संत महात्मा नाम योग साधना के बल से 120, 130, 140 वर्ष तक रह सकते हैं इस कलयुग में। पर ये शरीर तो सबको छोड़ना पड़ता है और उनका काम जब अधूरा बच जाता तो अपना नया मानव फूल भी उदाहरण करते हैं, चाहे वो जन्म ले लें या खुद प्रकट हो जाए या अपने मानव फूल को चेंज कर ले, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उनमें सारी समर्थता होती है, हर प्रकार की पावर समरस संत गुरु में होती है। आपने हर जगह पर देखा है मदद करने वाला वही प्रभु परमात्मा भगवान ईश्वर होता है, जो शब्द रूपी होता है कि जहाँ उसका नाम लो वहीं वो मदद कर दे, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को प्रभु ईश्वर परमात्मा कहते हैं। अगर उसका नाम लिया कोई काम नहीं बना, तुम्हारा लाभ नहीं हुआ, तो उस नाम को लेने से फायदा है क्या? तो वक्त का नाम होता है, जहाँ पर आप नाम लोगे वही वो प्रकट हो जाता है आध्यात्मिक स्वरूप में और वही तुम्हारी मदद करता है और तुम्हें पता भी चलता है कि हमारे स्वामी ने हमारी मदद की है। ये सदगुरु जय गुरुदेव नाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये वक्त का नाम है, परिवर्तनकारी है। और सदगुरु जी महाराज इस धरा मंडल पर विराजमान है, वो तो आ चुके हैं, समय भी कई साल हो चुका है। प्रेमियों, काम सारे होंगे, पहले बता दिया जाता था कि अभी होने वाला है, पर नकल काटने वालों ने ऐसा नोचा घसोटा कि अब बताने के लिए बैन लग गया। जब समय आता है ऑन टाइम तभी कुछ कहा जाता है, बिल्कुल समय करीब हो, आज कहो कल हो जाए तभी कुछ कहा जाएगा, इससे पहले नहीं। प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमारे ये भी बताया कि इसमें काल के जीवों ने नाम डाल लिया है और वो तुम्हें भरमाएंगे, हंसाएंगे, अपने चक्कर में रखेंगे। वैसे समरस संत कबीर साहब के लड़के कमाल थे, वो स्वयं काल का अवतार अपने आप को बताते। उसी तरह क्या स्वामी जी के पास बैठ करके काल नाम नाम नहीं ले सकता, इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा? और वो अपना दाम नहीं लगा सकता, अपनी जाल को नहीं बैठा बिछा सकता। जो साधक हैं ऊपर जाते हैं वो सब कुछ समझते हैं, तो किस तरह से बात यहाँ के मालिक से, यहाँ के धनी से होती है? क्या वो चाहते हैं
अब फैसला जिसके पक्ष में जिस तरह से हो जाए, जैसी बात वो कर ले जाए और जैसी बात उसकी बन जाए। प्रेमियों, ये कर्म विधान है और जब राज्य है तो तुम चाहोगे किसी के राज्य को उजाड़ना, तो ऐसे हो कि कोई राजा जो है राज्य को उजाड़ने नहीं देगा, उसमें खून कतल मार पीट जो भी उससे हो सकेगा, हर तरह से वो युद्ध जीतना ही चाहेगा। कोई भी राजा अपने राज्य को खाली होने नहीं देगा। आखिर उसे राज्य मिला है, राज्य का वो राजा है, उसकी जिम्मेदारी है पूरी प्रजा की रक्षा सुरक्षा करना, भले ही वो सिपे सालरों के या मंत्रियों के या सेनापति के भरोसे कर दे कि तुम इसको देखो और हम इधर बैठे हैं, फिर भी जिम्मेदारी उसी की बनती है। और कहते जास राज प्रिया प्रजा दुखारी, सो नृप नरक अवश्य अधिकारी, उसको नर्क में अवश्य ही जाना है। ये रामायण की मैं नहीं कहता, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। तो प्रेमियों, जिसके राज्य में तुम हो वो तुम्हारा राजा है, और अगर वही प्रभु हो तो प्रभु की तरीके से देखोगे, ईश्वर की तरीके से देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, पर अगर राजा की तरीके से देखोगे तो राजा तो फैसला करेगा, अच्छा होगा तो अच्छा और बुरा होगा तो दंड मिलेगा, अच्छा होगा तो अच्छाई का इनाम मिलेगा, ऐसा राजा के पास होता है, वो न्याय करता है। और ईश्वर जो प्रभु होता है वो सबका दाता है, जो सबको देता है, सब पर दया मेहर करता है। तो आज सोचना आपको है तो दांव तो लगा, परिवर्तन सामने खड़ा हुआ है, किस क्षण होगा ये सब कुछ मालूम है, पर जब तक तुम्हारे स्वामी सदगुरु तुम्हारे सामने नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा। चाहे कितनी भी बड़ी विस्मरणियां हो सब कटेंगे, एक भी जो है फलीभूत नहीं होगी, फलीभूत तो तुम्हारे स्वामी की ही भविष्यवाणी होगी। देख रहे हो कि जो हमारे स्वामी महाराज के शिष्य नहीं है वो भी तुमसे बात करते हैं कि देखो तुम्हारे बाबा जी ने कहा था और ये काम हो रहा है, तो तुम्हें सुनने की जरूरत है। महंगाई कितनी भी हो, गुरु महाराज ने कहा तुम बर्दाश्त करना, चिल्लाने इनको देना, तो तुम्हें बर्दाश्त करने की जरूरत है। पर हम तो देख रहे हैं अभी तेरबेड़ी संगम पर एक महीने तक थे हम, शाकाहारी प्रचार होता था, दुनिया भर कोई कुछ भी प्रश्न करने नहीं आता था, पर सत्संगी प्रश्न पर प्रश्न की घड़ियां उनकी होती थी, चाहे वो जिंदा हाजिर नाजिर हो या निर्धाम वासी मान करके गए हों, तरह तरह के कपड़े पहन लेते। हमारे गुरु महाराज ने तो यही बताया और हमने भी यही सुन रखा है कि 100 बार खाओ 100 कपड़े बदलो पर भजन करो, तो उस लहजे से ही देखते थे। अगर कोई कहे कि हम गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं तो गुरु महाराज ने टाट पहनाया उतरवाया किसी का, और ना ऐसा कोई संदेश मेरे पास है कि उन्होंने ऊपर से हुक्म दिया है कि तुम ऐसा काम कर दो, ऐसा कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जब हम इस जनमानस से पूछ लेंगे कि बोलो खुशहाल हो गए, शत्रुघ आ गया, तुमको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, जब ये सब हाथ उठा करके कह देंगे कि हाँ महाराज जी हम बिल्कुल खुशहाल हैं, अब हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं, राम राज आ गया है, तब मैं डांट दूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा। तो आप लोगों को सोचना और समझना चाहिए, ऐसे किसी के लिए आदेश नहीं होता। आदेश वो किसको देगा जो खुद करता हो, खुद ही उसे सारा काम करना है, वो किसको आदेश देगा कि तुमको ये करना है। रही सदगुरु कहीं अज्ञातवास में कहीं पर चले जाए तो संगत की देखरेख की जिम्मेदारी दो पद्धतियों में होती है, एक तो उनके गुरु की और दूसरे साथ जो उनके चरणों का शिष्य होगा उससे बोलेंगे कि आप करेंगे कुछ नहीं, केवल देखेंगे,
क्या करना है इस तरफ और इनको क्या देना है, किस तरह इनको जोड़ना है, क्या इनको हमारी बात बताना है, इतना उसको बताते हैं। करने वाले तो कुल मालिक आप ही हैं, तो किसी को क्या कहेंगे। समरस संत गोस्वामी जी या राधा स्वामी जी, जितने भी मत के सत मत के आए संसद गुरु जी, जिसको जितना कोटा मिला था उन्होंने अपना काम पूरा किया, और जिनका छूट गया और रीच अनुसार करके उन्होंने पूरा किया, वो तो समझने की बात है। हर किताबों में लिखे गए हैं शब्द कि हम फला समय पर आएंगे और ये काम करेंगे, तो तुम्हें भविष्य की किताबों को तो देखना ही देखना है, भूतपूर्व की किताबों को भी देखना है। तुम्हें उन पन्नों को पलट करके समझना और देखना है कि क्या कहा है। गुरु महाराज ने भी ये कहा कि बच्चों मेरी अमर संदेश पत्रिकाओं को उलट पलट करके देखते रहना, उसमें क्या गुड़ रहस्य लिखा हुआ है, क्या उन्होंने किस समय बताया है, इसका तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि सत्संग सुनने के बाद एक आध बाणी याद रहती है और सब भूल जाती है। जब तुम भूल जाते हो तो याद दिलाने का बीजक तो हमारा संदेश पत्र का है, जो कि वीडियो तो तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, एक मिनट में 22 कटिंग हो सकती है, एक शब्द को आगे से पीछे किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत तेज है, पर जो शब्द लिखे गए हैं कागज के पन्ने पर उसको मिटाया नहीं जा सकता, वो काला काला अक्षर वैसे छपा रहेगा, अगर फुरचन फुरचन करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर एक किताब में तुम कुछ गड़बड़ कर दोगे और जब लाखों करोड़ों सत्संगियों के यहां वो पत्रिकाएं भरी पड़ी है तो उसमें क्या चयन करोगे। तो प्रेमियों, उन पुरानी पत्रिकाओं को उलट पलट करके देखते रहो और अपने स्वामी की वाणी पर अटल रहो, तुम्हारे स्वामी सदगुरु कहीं गए नहीं है, वो इसी धराधाम परीक्षी मंडल पर है। और ये भी कहा है जब तक नाम ही रहता तब तक नाम का असर दिखाई सुनाई तभी तक देता है। त्रिलोक की विद्या या त्रिलोक का ज्ञान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ब्रह्म ज्ञान, पार ब्रह्म ज्ञान, सत्पुरुष का ज्ञान, सतमत परम पद प्राप्त करना मुश्किल चीज है। इस मुश्किल चीज को प्राप्त करने के लिए समरस संत सदगुरु की जरूरत होती है। सदगुरु उसी ही कहते हैं जो शब्द भेदी होता है, गुरु नाना प्रकार के होते हैं, सदगुरु एक होता है। गुरु नाना प्रकार के होते हैं, छोटे से बड़े कई प्रकार के गुरु होते हैं, लेकिन आध्यात्म आदमी एक अकेला संत सदगुरु होता है। संत का अंत नहीं होता, वो आदि से अंत तक भेद बताता है, और बताने के साथ उसमें इतनी क्षमता पावर होती है कि वो सीधे यहां से उठा करके वहां पहुंचाता है, कुल रील को दिखाता है, समझाता है। जीते जी मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई और ना आगे आएगी। देखो ये अवधपुर है, अयोध्या है, यहाँ प्रभु नाम की नगरी है और ये अयोध्या पर क्षेत्र है, परम पुनीत नगरी है, और यहाँ महाराजा हरिश्चंद्र से लेकर के कन्नौज के रहने वाले राजा जयचंद तक चक्रवर्ती राज रहे, जहां से सूरज उगता है और जहां तक अस्त होता है। प्रेमियों, हिंदुत्व के नाम पर यहाँ किसी चीज की पूछने की जरूरत नहीं, वो तो पहले के इतिहास गवाह है। कोई तुम्हारे घर में आकर के बैठ जाए और कहा घर मेरा है और सनातन धर्म से घर तुम्हारा है, हमेशा से तुम्हारा है, तो तुम कैसे कह दोगे कि घर
इनका है। तो इसलिए ये भारत भूमि है, इतिहास है यहाँ का बहुत पुराना, आज कोई नया नहीं। और प्रेमियों, राम के राज्य में ताला नहीं लगता है। उसी राम राज्य को लाने की बात, स्वराज की बात, गांधी जी ने भी स्वराज की बात कही थी, पर असली स्वराज आया नहीं। राम राज की बात उन्होंने भी बताई थी, पर वो आया नहीं। हिंसा नहीं होता, व्यभिचार नहीं होता, मांसाहार नहीं होता, दारू शराब अंडे की दुकान नहीं होती, किसी के घर में ताले नहीं लगते, प्रेम सौहार्द से सब रहते, तो उसको स्वराज कहती, रामराज कहती। उसी रामराज को लाने की बात हमारे सदगुरु ने की, स्वामी ने की। तो रामराज तो आकर के ही रहेगा। रामराज का सपना जिसने देखा वो कभी खंडित नहीं हुआ, क्योंकि राम तो खुद ही राजा है। उन्हें उस ईश्वर प्रभु को जब ये महसूस हो जाएगा कि हाँ ये काम हो जाना चाहिए, तो तत्काल हो जाएगा। क्या हमारे प्रभु नहीं चाहते खुशहाली हो, मेरी जय जयकार हो, चौदिसवीं और राम राज रहे, सभी खुशहाल रहे हर प्रकार से, ऐसा प्रभु का भी सोचना होता है। लेकिन तुम्हारा कर्म जो है, तुम्हारी बुद्धि विवेक ये काम नहीं करती, तुम उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हो। सतपथ का मार्ग तो सभी समझाते हैं, पर उस मार्ग पे चलते नहीं हो। तो प्रेमियों, जब चलोगे नहीं सतपथ के मार्ग पर, तो तुम्हारा काम बनेगा नहीं। आए प्रेमियों, ये भारत देश है, संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, देवभूमि, आध्यात्म भूमि भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में कई बार प्रभु ने जन्म लिया और बहुत से संत महात्मा आए, आगे भी आएंगे। तो प्रेमियों, आपको सोचने की जरूरत है कि सभी संत महात्माओं ने ये बताया है कि भजन करो, प्रभु परमात्मा को जीते जी प्राप्त करो। किस लिए कहा? ये जो सूरत है, जीव है, जीव अविनाशी है। तो ये जो जीव अविनाशी है उस देश से आया है और उधर वापस को जाना भी है। तो प्रेमियों, जब उधर उसको वापस जाना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, नाम भजन। जब वो नाम भजन करेगा तो उस तरफ जाएगा, नाम भजन नहीं करेगा तो उधर नहीं जाएगा, यही ही कर्म विधान में फंसा रहेगा। तो सच्चे नाम भजन के लिए, सच्ची पूजा पाठ के लिए, सच्चे कीर्तन के लिए ही संत महात्मा बतलाते हैं, वही यहां बताया जाता है। प्रेमियों, अगर तुम्हें अनुभव नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह ही बताया गया है, निज अनुभव में कहूं भगीसा, दिन हर भजन न जाए कलेसा। और उधर हमारे प्रभु से भोलानाथ ने माँ भवानी पार्वती से कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। सच्चा तो हरि का भजन है, बाकी ये देश नाशवान है। अरे प्रेमियों, ये सूरत जीवात्मा जब हुसैनामी महाप्रभु की मौज हुई तो विस्तार हुआ। विस्तार में पहले से ही निर्गुण निराकार आध्यात्मवाद का विस्तार था, फिर उसके बाद उनकी मौज हुई तो माया सम्मिलित जो है विस्तार हुआ। इस विस्तार में धीरे धीरे मंडल और ब्रह्मांड उतारे गए, बनाए गए, और धीरे धीरे वो चीजें चलती रही। जब वो चलती रही तो वो सब बन करके तैयार हो गया, और उनकी मौज पर और उनकी धुरी पर ये सारा पसारा बना। फिर पसारे में सुरतों को धीरे धीरे उतार दिया। आप सोच रहे होंगे
कि ऐसा किया क्यों? आप जो गलतियां यहां करते हो, यहां से जाने के बाद, उस देश में रहने के बाद अरबों असंख्य वर्ष बीत जाते हैं, तो वहां भी कुछ ना कुछ तुम गलती करते हो। जब महिलाएं तुम पर आती है तो तुम नीचे उतारी जाती हो, ऐसे कोई नहीं उतारा जाता। तो वहां से नीचे उतारे गए, यहां शुद्धता के लिए, भजन करने के लिए तड़प तुम में होगी कि हमारा देश छूट गया। जो भी देश चला जाता है तो उसको याद अपने वतन की 24 घंटे लगी रहती है कि हमारा घर तो भारतवर्ष है और हम यहाँ विदेश में पड़े हैं, और जल्दी समय मिलता तो हम अपने वतन को वापस चले जाते। उसी तरह तुम भूल गए कि हमारा देश कौन सा है, हम कहाँ से आए थे और कहाँ से भेजे गए थे। अगर उस देश की याद रहती तो तुम बराबर आते और जाते रहते, पर अपने देश की याद ही भूल गए। यहाँ परदेश में आकर के तुमने राजमहल बनवा लिया और यहाँ रहने लगे, क्षणिक सुख को परमानंद सुख मान लिया, तो अब तुमको कहाँ से वो चीज मिले? जो परमानंद सुख तुमको तुम्हारे स्वामी के यहाँ था, आज अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष जो सकल पसारे के मालिक हैं, उनके यहाँ था, उनके राज्य में था, उसको तो आपने छोड़ दिया। अब क्षणिक सुख लेने यहाँ आए तो क्षणिक सुख में कहाँ मिलेगा? राम भजन करोगे, नाम भजन करोगे तो सब कुछ फिर से मिलेगा। और वहां जाने आने का रास्ता अंदर से है, बाहर से कभी कोई गया ही नहीं। और जितनी भी रामायण गीताएं लिखी गई है कोई कविता नहीं, ये अध्यात्मवाणी है, अध्यात्मवाद है, इस तरह कोई कुछ भी नहीं लिख सकता। तो अध्यात्मवाद में अंतर की विद्या अंतर की होती है, बाहर की नहीं होती। तो अंतर विद्या पढ़ो और अपने सद्धांत की तरफ चलो और अपने स्वामी की याद करो। बिना स्वामी को याद किए तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं है। भजलो सतगुरु सीताराम, भजलो सीताराम, नाम एक प्यारा सीताराम, नाम इसे प्यारा, बोले सतगुर नाम, बोले सतगुर नाम, भजलो सीताराम, द्वापर बीता कलयुग आया, द्वापर बीता कलयुग आया, शांत प्रभु भगवान, शांत प्रभु भगवान, वो भक्ति का मार्ग मार्ग बतावे, नाम सिद्ध श्री राम, नाम सिद्ध श्री राम, मुख मंडल उजियारी सोहे, मुख मंगल उजियारी सोहे, सतगुरु है सतनाम, सतगुरु है सतनाम, नाम भजन शांतन आदेशा, नाम भजन तन आदेशा, और नया वे काम, और नया वे काम, सतगुरु स्वामी तो है सम ध्यावे, सतगुरु स्वामी तो ही सम झावे, भजो हरि का नाम, भजो हरि का नाम, आदे
सत गुरु मालिक तू ही दिलावे तेरा धाम तू ही दिलावे तेरा धाम नामाया नाम की पूंजी लावे नामाया नाम की पूंजी लावे ते गुरु जय गुरु देव नामी तोही पहुँचावे तेरे धाम तोही पहुँचावे तेरे धाम बनाया घमी पड़ा रहेगा बनाया घमी पड़ा रहेगा नहीं सचे मन से कर शाम को सत्संग होगा आप सब लोग ध्यान भजन करो बैठ करके सत्य गुरु जय गुरुदेव।